नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ध्रुवीर और आज हम चर्चा करेंगे श्वेतासर उपनिषद का जो दूसरा प्रश्न है, प्राणायाम की क्या सीक्वेंस है और प्राणायाम का क्या महत्व है श्वेतासर उपनिषद के अनुसार, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, प्राणायाम के बारे में श्वेतासर उपनिषद में बताया गया है कि प्राण और अपान दोनों के मिलन को या संयोग को प्राणायाम कहा गया है, ऐसी डेफिनेशन उसमें दी गई है। और यह भी बताया गया है कि प्राणायाम के द्वारा जिसके मन की अशुद्धि क्षीण हो जाती है, उससे का चित्त ब्रह्मा में लगता है या स्थिर हो जाता है, ऐसा भी उसमें बताया गया है। प्राणायाम से पहले में क्या करना चाहिए उसके बारे में भी इसमें श्वेतासर उपनिषद में बताया गया है कि प्राणायाम से पहले हमें नाड़ी शुद्धि अवश्य कर लेनी चाहिए, ऐसा बताया गया है इसमें। और यह भी बताया गया है कि चार बार सुबह, मध्यान्ह, सायं और अर्धरात्रि को नाड़ी शुद्धि करनी चाहिए आपको, तीन बार या पांच बार अभ्यास लगातार करें नाड़ी शुद्धि का। तो इसमें बताया गया कि एक पक्ष अर्थात 15 दिन में या एक मास या एक महीने में नाड़ी शुद्धि हो जाती है, ऐसा इसमें बताया गया है। इसमें प्राणायाम के तीन प्रकार बताए गए हैं, एक पूरक, एक रेचक और कुंभक, ऐसा इस उपनिषद में बताया गया है। इसमें आसन कौन से होने चाहिए यह भी बताया गया है कि विशेष आसनों का यथा विधि अभ्यास करना चाहिए और जिस आसन का अच्छे से अभ्यास हो जाए उसी में बैठकर प्राणायाम करना चाहिए कि कौन सा प्राणायाम आसन के लिए उपयुक्त है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ऐसा इसमें बताया गया है। और बिछाने के लिए इसमें कुशा और मर्ग चरम की बात कही गई है। और इसमें यह भी बताया गया है कि आप का दायां हाथ नीचे रहेगा, सॉरी बायां हाथ नीचे रहेगा और दायां हाथ उसके ऊपर रहेगा किसी भी आसन में जिसमें आप बैठते हैं। और मुंह की स्थिति से बताया गया, या तो पूर्व की तरफ आप अपना मुख रख सकते हैं या उत्तर की ओर मुख रख सकते हैं प्राणायाम के दौरान। इसमें भोजन के विषय में कहा गया है कि अधिक एवं कम भोजन को त्याग कर शास्त्रोक्त पद्धति से नाड़ी शोधन करना चाहिए। गीता में भी यही कहा गया है कि युक्त आहार विहार्य। इसमें नुकसान भी बताया गया है कि जो गलत विधि से करता है, जो योगी या साधक नाड़ी शोधन के किए बिना ही अभ्यास करता है या गलत अभ्यास करता है तो उसका परिश्रम बेकार चला जाता है, व्यर्थ चला जाता है, ऐसा इसमें बताया गया है। और ध्यान कहाँ लगाना चाहिए प्राणायाम के दौरान यह भी बताया गया है। तो नासिका के अग्र भाग पर दोनों नेत्रों को स्थापित करें, ऐसा बताया गया है। मतलब यहां पर आप अपने ध्यान को लगाना है प्राणायाम के दौरान नासिका के अग्र भाग पर। और ये कहा गया है कि इस प्रकार गुरु के द्वारा बतलाई गई विधि से आप प्राणायाम का अभ्यास करिए तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। इसमें बताया गया है कि इससे क्या क्या लाभ है। तो लाभ के विषय में कहा गया कि नाड़ी शुद्धि हो जाने पर शरीर में हल्कापन आ जाता है, शरीर में कांति आ जाती है, जठरग्नि वृद्धि हो जाती है, नाद सुनाई देने लगता है, ऐसे लाभ का जिक्र इसमें किया गया है। और इसमें ओंकार या प्रणव के भी प्रकार बताए गए हैं, इसके त्रिरूप बताए गए हैं, रेचक, पूरक, कुंभक, कोई प्रणव समझना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है। इसमें प्रणव का जो स्वरूप है ए, उ और मैं से बताया गया है। ए का मतलब उसमें रेचक बताया गया है, उ का मतलब पूरक बताया गया है और मैं का मतलब कुंभक बताया गया है। इस प्रकार यह तीन अंगों वाला प्राणायाम है, ऐसा बताया गया है। पूरक जब हम करते हैं तो 16 मात्रा तक करें, 16 काउंटिंग तक करें, पैरों से लेकर मस्तक पर्यंत तक श्वास को खींचे। और उसके बाद रेचक करें तो 32 मात्रा तक करें और कुंभक करें तो 16 मात्रा तक करें। और इसमें ऋषि याज्ञवल्क्य गार्गी को बताते हैं कि जिन्होंने अपने शरीर को शाद लिया है, आंतरिक शुद्धि हो चुकी है और आत्मा की शुद्धि हो चुकी है, उन्हें पहले 64 मात्रा तक कुंभक करना चाहिए और उसके बाद एक नासिका से 16 मात्रा में रेचन करना चाहिए। इसके बाद 16 मात्रा तक दोनों नासिकाओं से वायु को पूर्ण करना चाहिए, भरना चाहिए।
इस प्रकार प्राण जय योगी प्राणायाम को अपने अधीन कर लेता है, अपने नियंत्रण में कर लेता है, अपने वश में कर लेता है। और इसमें बताया गया है कि जो पुरुष प्रतिदिन स्नान करके 100 प्राणायाम करता है, वह यदि माता पिता या गुरु की हत्या करने वाला हो तो भी 3 वर्ष में उस पाप से मुक्त हो जाता है, ऐसा भी इसमें बताया गया है। तो दोस्तों, ये था प्राणायाम के ऊपर, और अगला वीडियो हम लेके आएंगे इसके अगले प्रसंग के ऊपर। आप सबका बहुत बहुत